वर्ल्ड कप का 19वां मैच शुक्रवार को साउथहैम्पटन में मेजबान इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा। वेस्टइंडीज की टीम एक तरफ टूर्नामेंट में दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी, वहीं इंग्लैंड की नजर तीसरी जीत पर होगी। मैच में इंग्लिश टीम का पलड़ा भारी है। वर्ल्ड कप में विंडीज के खिलाफ उसका रिकॉर्ड बेहतर है। वह पिछले 40 साल से कैरेबियाई टीम से नहीं हारी। इंग्लैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज को पिछली जीत 1979 में मिली थी। उसके बाद से दोनों टीमें 5 बार आमने सामने हुई, हर बार इंग्लैंड को जीत मिली। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच यह इस साल का 6ठा मुकाबला होगा। इससे पहले 5 मैच में दोनों ने 2-2 मुकाबले अपने नाम किए, एक मैच में नतीजा नहीं निकला। इस टूर्नामेंट की बात करें तो इंग्लैंड ने 3 में से 2 मैच जीते, उसे सिर्फ 1 में हार का सामना करना पड़ा। वहीं वेस्टइंडीज की टीम 3 में से सिर्फ 1 मैच जीत सकी, उसे 1 में हार मिली, वहीं 1 मुकाबले में नतीजा नहीं निकला। हालिया फॉर्म को देखते हुए मैच में इंग्लैंड का पल्लड़ा भारी लगा रहा। वह वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्ल्ड कप में लगातार 6 मैच जीत सकता है। वेस्टइंडीज वीएस इंग्लैंड हेड टू हेड दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 101 मुकाबले खेले। इनमें इंग्लैंड को 51 और वेस्टइंडीज को 44 में जीत मिली, 6 मैच में नतीजा नहीं निकला। इंग्लैंड के मैदान पर दोनों टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो दोनों के बीच 39 मैच खेले गए। इनमें मेजबान टीम को 22 में जीत मिली, वहीं विंडीज की टीम 15 में सफलता मिली, 2 मैच में नतीजा नहीं निकला। मौसम और पिच रिपोर्ट। साउथैम्पटन में शुक्रवार को बारिश की संभावना है। पूरे दिन बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 15 से 17 डिग्री के आसपास रहेगा। पिच से तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगी। वेस्टइंडीज की ताकत क्रिस गेल। वेस्टइंडीज का यह ओपनर अपनी टीम को तेज शुरुआत देने में सक्षम है। पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 34 गेंद पर 50 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 गेंद पर 21 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 30 मैच में 985 रन बनाए, इस दौरान 3 शतक भी लगाए। उन्होंने अफ्रीकी टीम के खिलाफ 50 प्लस का स्कोर पिछली बार 2006 में बनाया था। इसके बाद 14 मैच खेले जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 45 रन रहा। इस टीम के खिलाफ वे अपने प्रदर्शन को सुधार कर टीम के लिए रन बनाना चाहेंगे। आंद्रे रसेल। रसेल ने 2 मैच में 4 विकेट लिए। उन्होंने कुल 11 ओवर में सिर्फ 45 रन दिए। हालांकि बल्लेबाजी में वे पिछले मैच में बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे थे, तब वे रसेल 11 गेंद पर 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। टीम प्रबंधन उनसे इस मुकाबले में बेहतर बल्लेबाजी की भी उम्मीद कर रही होगी। वे पिछले मैच में टीम से बाहर थे, इस मुकाबले में वे खेल सकते हैं। उनके आने से वेस्टइंडीज का मध्यक्रम मजबूत होगा। वेस्टइंडीज की कमजोरी ओपनिंग जोड़ी। वेस्टइंडीज को पिछले 2 मुकाबलों में ओपनर से बेहतर शुरुआत नहीं मिली। क्रिस गेल के जोड़ीदार के तौर पर पहले मैच में शाई होप उतरे, वहीं दूसरे मुकाबले में इविन लेविस ने ओपनिंग की। होप ने 11 और लेविस सिर्फ 1 रन ही बना पाए। पहले मैच में ओपनर्स ने 36 और दूसरे में 7 रन की साझेदारी की। इंग्लैंड की ताकत जोस बटलर। इंग्लैंड के इस विकेट कीपर बल्लेबाज को 134 वन अड्डे का अनुभव है। उनके 42.22 के औसत और 120.29 के स्ट्राइक रेट से 3716 रन हैं। उनका यह दूसरा वर्ल्ड कप है। पिछले एक साल में उन्होंने 25 वनडे में 64.28 की औसत से 900 रन बनाए हैं। उनके वनडे में कुल 9 शतक हैं, इसमें से 4 शतक पिछले एक साल में उन्होंने लगाए हैं। जो रूट इंग्लैंड का यह ओपनर टीम को मजबूत शुरुआत देने में सक्षम है। वे इस वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। उनका भी यह दूसरा वर्ल्ड कप है। उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में भी एक शतक लगाया था। पिछले एक साल में रूट ने 27 मैच में 49.95 की औसत से 999 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने 4 शतक लगाए। इंग्लैंड की कमजोरी। गेंदबाजी में अनुभव की कमी। इंग्लैंड के गेंदबाजों में अनुभव की कमी है। उनका कोई भी गेंदबाज 100 रन अड्डे नहीं खेला है। मार्क वुड ने 42, आदिल रशीद ने 90, लियम प्लंकेट ने 83, टॉम करन ने 17, क्रिस वोक्स ने 90 और आर्चर ने सिर्फ 6 वन अड्डे खेले हैं। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने अपने अब तक के तीनों मैच में 300 प्लस रन का स्कोर किया है। बांग्लादेश के खिलाफ उनके गेंदबाजों ने 10 विकेट जरूर लिए, लेकिन कुल 280 रन भी दे दिए। दोनों टीमें इंग्लैंड, इयान मॉर्गन कप्तान, जेसन रॉय, जॉनी बेरस्टो, जो रूट, बेन स्टॉक्स, जोस बटलर विकेट कीपर, मोइन अली, क्रिस वोक्स, लियम प्लंकेट, जुफ्रा आर्चर, आदिल रशीद,
टॉम करन, मार्क वुड, जेम्स विंस, लियम डॉसन। वेस्ट इंडीज, जेसन होल्डर, कप्तान फैबियन एलेन, कार्लोस ब्रैथवेट, डॉरेन ब्रावो, शेल्डन कॉट्रेल, शेनोन गैब्रियल, क्रिस गेल, शिमरॉन हेटमायर, शाई होप, इविन लेविस, एश लेनर्स, निकोलस पूरन, केमार रोच, आंद्रे रसेल, उसाने थॉमस।